press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aaj hum aapko seekh kabab store karke rakhne ke liye bana rahe bata rahe freezer mein rakhne ka thaili mein bhar ke dabbe mein bhar ke waisa bata rahe. Hey dekho humne ye 2 chamach bhar ke dhaniya liye bhunne ko rakhe 8-10 mirchi liye bhunne ko rakhe 1 chamach bhar ke khaskhas liye 1 chamach bhar ke jeera liye aur aadha chamach sauf liye abhi ye sab bhun raha hai aur ye besan hai ye bhunne ke baad ye besan bhunenge iske andar ye ek katori besan hai 1 chamach bhar ke ye butter hai aur ye aadha kilo khima hai isko ekdam barik pis ke liye dekho ekdam barik dho ke acche se saaf karke pis ke liye aur main pis ke liye 1 limbu ka ras hai kotmir hai 1 anda hai aur 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेज है और आप इसको अदरक लहसुन को चॉपर में भी चॉप करके ले सकते हैं ये पुदीना है और ये नमक स्वाद अनुसार इसमें से हल्दी लेंगे 1 टीस्पून और 1 चम्मच भर के मटन मसाला ये चिकन मसाला है हमने मटन मसाला लेने के बजाय चिकन मसाला लिया क्योंकि हमारे पास मटन मसाला है ही नहीं अभी लाने के लिए कोई है नहीं लिप बंद है इसलिए हमने चिकन मसाला लिया आप मटन मसाला पिस के ला रहे फिर बता रहे ये देखो मसाला हमने बारीक पिस के लाए इधर देखो ये बेसन को हमने भून डाले देखो ये खीमे को हमने बारीक पिस के लिए हैं ये बेसन को भुने ये बेसन पूरा डालेंगे एक कटोरी बेसन आपको बताए हमने ये डाले ये मसाला पूरा डालेंगे हम ये हिसाब से मसाला लिए थे जितना खीमा है वो हिसाब से हमने मसाला लिए ये देखो पूरा मसाला डाले अभी ये मसाले में नमक स्वाद अनुसार ये पहले हमने कोथमीर डाले अभी ये कोथमीर डाले पूरे अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे पुदीना डालेंगे इस चिकन मसाला डाल रहे रुको आप डालते टाइम बोलो चिकन मसाला डाल रहे आप चिकन मसाला हम डाल रहे इसमें आप मटन मसाला डालो 1 चम्मच भर के अब ये नींबू का रस डालेंगे एक ये देखो ये हल्दी है ना हमने 1 टीस्पून डाली अब ये अंडा डालेंगे 1 अंडा डालेंगे अभी पूरा मिक्स करेंगे ये देखो ये अभी मस्का डालेंगे मस्के से अच्छा बनता है फर्स्ट क्लास इसलिए मस्का डालने का आपको चाहिए डालो आपको चाहिए मत डालो अभी इसको चम्मच से नहीं हम कला सकते हम इसको हाथ से कलाएंगे आपको बता रहे पूरा मिक्स होना चाहिए ना इसके लिए मिक्स कर दिए सीख का कीमा मसाला पूरा मिक्स कर दिए अपने अपने हिसाब से इसको ये देखो ऐसा गोल करेंगे तेल लगाएंगे हाथ को ये देखिए ऐसा गोल करेंगे और गोल करके उसको ऐसा सेप देंगे सीख का सीख बना रहे ना और फिर इसको थैली में भरो या डब्बे में भरो और फ्रीजर में रखेंगे जब चाहिए सुबह बच्चे लोग जाते स्कूल में जब भी फ्राई करके नमाज को उठे निकाल के डब्बा रखे फिर उसको नमाज होने के बाद इसको ये करके फिर इसको ये करेंगे फ्राई करेंगे बच्चे लोग को पाव के साथ देंगे ये देखिए इसको जरा कांडी के अंदर दबा देने का लगाने के बाद आपको चाहिए तो आप कांडी निकाल सकते हैं निकाल के भी रख सकते हैं हम दिखा रहे हैं आपको पहले हम अभी एक बनाने का बता रहे हैं और एक बताए फिर बता रहे इसको गोल करेंगे फिर इसको ऐसा लंबा करेंगे सीख की तरह ये अब ये कांडी लगाएंगे उसमें कांडी लगाए थोड़ा दबाए उसको अच्छे से ये देखो अभी हम पूरा बनाएंगे फिर आपको बताएंगे ये देखो सीख कबाब बनके तैयार है एकदम फर्स्ट क्लास
अभी इसको स्टोर करके रखो, कैसा डब्बे में भरो, उसके ऊपर बटर पेपर लगाओ, उसके ऊपर वापस ये लगाओ, अलग अलग ये करके रखो क्योंकि चिपके नहीं एक दूसरे को। अभी हम आपको बता रहे, ऐसी कांटी निकालेंगे, ये देखो फर्स्ट क्लास, ठीक है, ऐसा करेंगे। आपको चाहिए कांडी के साथ रखो, आपको चाहिए बिना कांडी का रखो, ऐसा सीख कबाब बनाने का। कभी भी चाहिए आपको, मेहमान आए घर में या बच्चे लोग को टिफिन में देने का है, खाने का मन हो गया कि ऐसा निकालने का, फ्रीजर से आधा घंटा पहले रखने का, उठा के और निकाल के बर्फ निकल जाएगा, फिर उसको फ्राई करके पाव के साथ खाओ, किसी के साथ भी खाओ, पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। सीख पराठा बनाते ना तो उसके पराठे के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसा बनाओ खाओ। अगर महक किचन की रेसिपी आपको अच्छी लगी, महक किचन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल बजाओ प्लीज।